बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 16 पानी की कहानी का शेष भाग पढ़ेंगे। वसंत भाग 3 कक्षा 8 की पुस्तक का पाठ 16 पानी की कहानी। और इसमें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि पानी जो है समुद्र, पानी की वो बूंद जो लेखक की हथेली पर आकर रुक गई थी और सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रही थी, वह बूंद जो है अपनी कहानी बताती है लेखक को, और लेखक को भी बहुत जिज्ञासा होती है उसके मुख से ये सब सुनने की। और वो बताती है कि किस प्रकार वो समुद्र के निचली सतह पर भी गई देखने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या है। तो वहाँ जो है उसने देखा कि उसे ये सब देखने में बरसों लग गए, और वहाँ पर जो है उसने इसी स्थान पर जो है शोर मचाते हुए जब वो आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थीं और नाना प्रकार की धातुएं नाना प्रकार की धातुएं जो है इधर उधर बहने को उतावली हो रही थीं। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओषजन और हद्रजन में विभाजित हो गया, और इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था, और एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए और हम ऊँचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं, और यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया कि तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर, और वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोलें करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक गए, और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। तो हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया, और यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते, और बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है, और मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बढ़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। चेष्टा का अर्थ होता है कोशिश, चेष्टा चेष्टा मतलब कोशिश। चेष्टा में लगी रही और भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था।
मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी, सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई, यानी कि वह ओस की बूंद सूर्य की तपती किरणों से वो धीरे धीरे जो है वो सूखते सूखते वो बूंद जो है वाष्प बनकर उड़ गई और धीरे धीरे घटी और फिर दिखाई नहीं दी। तो लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली, ये प्रश्न है यहाँ पर। और ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा? तो यहाँ पर ये सभी प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। और इसमें से जो है भाषा की बात हम लोग देखेंगे कि किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं, वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई देते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। तो इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है और व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता कर्म करण आदि से स्पष्ट होती हैं। तो इस प्रकार के पांच और उदाहरण खोज कर लिखना है और उन्हें भली भांति परिभाषित करना है। शब्दार्थ में दो शब्द हैं जिसमें कि सांसत कठिनाई में पड़ना, बड़ा कष्ट और वर्णनातीत जिसका वर्णन न किया जा सके। तो वर्णनातीत माने वर्णन से भी परे, तो जिसका वर्णन न किया जा सके। तो यहाँ पर वो बूंद जो है अपनी कहानी के माध्यम से वो ये बताती है कि किस प्रकार जो है वह बूंद अपनी यात्रा को पूरा करती है और वो जो है किस तरह से समुद्र के नीचे और समुद्र में और फिर जो है वो कहाँ कहाँ गई। यहाँ तक कि उसने ज्वालामुखी के बारे में भी बताया और ज्वालामुखी के माध्यम से जो है वो फूट कर बाहर निकल पड़ी। तो इस तरह से इस पाठ में पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया है। और ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति जो है और भी दूसरी कहानी बन सकती है, लोहे या प्लास्टिक की कहानी बन सकती है। तो अन्य पदार्थों के समान जल की भी तीन अवस्थाएं होती हैं। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था हल्की होती है और इसका कारण जो है पानी का तरल होना होता है। और इसमें जो है ये जल के बारे में पूरी कहानी बताई गई कि किस प्रकार इसका प्रारंभ हुआ और किस प्रकार इसका अंत हुआ। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है हम पृथ्वी की संतान, हम ये जो है केवल पढ़ने के लिए है और इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है। जैसा कि यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इस पाठ में भी जो है लेखक के हाथ पर एक बूंद दिखाई गई है, लेखक के हथेलियों पर, और सूर्य है और पेड़ है। तो यहाँ पर बेर की झाड़ी दिखाई गई है, पेड़ दिखाया गया है। और दूसरे चित्र में यहाँ झरने दिखाए गए हैं जो ऊंचाई से जहाँ पर पानी गिर रहा है और पानी जो है वो बहुत ही स्वच्छ और
बहता हुआ है और उस पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो और सुंदर दिखाई देता है। और अगले चित्र में दिखाया है कि समतल मैदान में नदी बह रही है और वहाँ पे पत्थर हैं, चट्टाने हैं और उससे जो है नदी किनारों को काटते हुए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केवल पढ़ने के लिए है, यह हम पृथ्वी की संतान, पृथ्वी धरती ये सब जो है वो एक ही समानार्थक शब्द है। तो यहाँ पर प्रदूषण के महासंकट से निपटने के लिए, निपटना मतलब कि उससे बचने के लिए विश्व भर के राष्ट्रों की एक बैठक 5 जून 1972 को स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने अभिभाषण में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः का संदेश दिया था। इस दिवस की स्मृति में ही प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। सन 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में एक पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था, पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी को बचाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को अच्छा रखना चाहिए और किस तरह से हम लोग पृथ्वी को बचा सकते हैं इस पर जो है बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रकृति एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें दो प्रकार के प्रमुख घटक शामिल हैं, जैविक और अजैविक। जैव मंडल का निर्माण भूमि, गगन, अनिल, अनल, वायु, अग्नि, जल नामक 5 तत्वों से होता है और जिसमें हम छोटे बड़े एवं जैव अजैव विविधताओं के बीच रहते आए हैं। इसमें पेड़ पौधों एवं प्राणियों का निश्चित सामंजस्य और सह अस्तित्व है जिसे समन्वयात्मक रूप में पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर समन्वयात्मक रूप यानी कि मिला जुला जो रूप है उससे, और सामंजस्य यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की चाह जो होती है, इच्छा। तो इसे जो है हम लोग पर्यावरण के विभिन्न अवयव कहते हैं। पर्यावरण शब्द परि और आवरण इन दो शब्दों के योग से बना है। परि और आवरण का सम्यक अर्थ है वह आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, आवृत किए हुए है। प्रकृति और मानव के बीच का मधुर सामंजस्य बढ़ती जनसंख्या एवं उपयोगी प्रवृत्ति के कारण घोर संकट में है। यह असंतुलन प्रकृति के विरुद्ध तीसरे विश्व युद्ध के समान है। ये जो है तीसरे विश्व युद्ध के समान है और असंतुलन यानी कि जिसका संतुलन ना हो। विश्व भर में वनों का विनाश, अवैध एवं असंगत उत्खनन, कोयला, पेट्रोल, डीजल के उपयोग में अप्रत्याशित अभिवृद्धि और कल कारखानों के विकास के नाम पर विस्तार मानव सभ्यता को महाविनाश के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। विश्व की प्रसिद्ध नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, राइन, सीन, मास, टेम्स जैसी नदियां भयानक रूप से प्रदूषित हो चुकी हैं। इनके निकट बसे लोगों का जीवन दुभर हो गया है। तो यहाँ पर इन सभी गाड़ियों की वजह से पर्यावरण जो है वो बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है और इससे निकट बसे लोगों का जीवन भी बहुत दुभर यानी कि कठिन, दुभर। दुभर यानी कि कठिन हो गया है। और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस की एक मोटी परत है। यह धरती के जीवन की रक्षा कवच है और जिससे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें रोक ली जाती हैं, किंतु पृथ्वी के ऊपर जहरीली गैसों के बादल बढ़ते जाने के कारण सूर्य की अनावश्यक किरणें बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे बाह्य का अर्थ होता है बाहरी। बाह्य का अर्थ होता है
बाह्य का अर्थ है बाहरी। बाहरी जो है अंतरिक्ष में, बाह्य अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं हो पाती, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। इससे छोटे बड़े सभी द्वीप समूहों एवं महाद्वीपों के तटीय क्षेत्रों के डूब जाने का खतरा बढ़ गया है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यही स्थिति रही तो मुंबई जैसे महानगर प्रलय की गोद में समा सकते हैं। पृथ्वी पर बढ़ते तापमान के कारण विश्व सभ्यता को अमृत एवं पोषक जल प्रदान करने वाले ग्लेशियर या तो लुप्त हो गए हैं, लुप्त हो जाना मतलब समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना। तो ये ग्लेशियर जो है या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमृतवाहिनी गंगा अपने उद्गम गंगोत्री के मूल स्थान से कई किलोमीटर पीछे खिसक चुकी है और प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं। विशेषकर अपने भारत में ही बांधों, कारखानों, हाइड्रो पावर स्टेशनों के बनने के कारण लाखों वनवासी भाई बहन बेघर होकर शरणार्थी बने हैं। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अथर्ववेद में लिखा है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि माता है, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। एक जगह यह भी विनय किया गया है कि हे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काज ना करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों अर्थात पर्यावरण के साथ क्रूर छेड़छाड़ न करना। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक एवं बेतहाशा दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उभरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है और इस दिशा में अनेक आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है और सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम पृथ्वी की संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। चरितार्थ करना होगा यानी कि हमें जो है इस चीज़ को समझना होगा कि पर्यावरण हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और यदि हम पर्यावरण, जैसा कि यहाँ चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर फैक्ट्री है और उसमें से धुआं निकल रहा है और इससे हमारा पानी, नदियाँ सब प्रदूषित होते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से वातावरण प्रदूषित होता है और वहाँ से निकलने वाले कचड़ों से नाले जो है बहाए जाते हैं नदियों में, तो उससे भी हमारा पानी प्रदूषित होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक रहें और ऐसी चीज़ों का उपयोग कम करें जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इस पाठ में, इस के माध्यम से यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं और हम अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए भी पर्यावरण को स्वच्छ रखना और स्वस्थ रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, बल्कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। तो इस तरह से जो है अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है वो अधिक स्वच्छ रहेगा और हम भी जो है अपना जीवन अच्छे से जी सकेंगे, क्योंकि अगर वातावरण स्वच्छ नहीं होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा और इस तरह से प्रदूषण फैलता जाएगा और ये प्रदूषण जो है हम सभी को प्रभावित करेगा। तो इस पानी की, यहाँ पे पानी की कहानी में हम लोगों ने पानी की कहानी के साथ साथ उसके कई रूपों को भी देखा और
इससे जो है ये पता चलता है कि हमें जो है हमारे नदियों के जलों पे और बाकी जो है जो इकट्ठे किए हुए जल होते हैं जैसे तालाब में सरोवर में, तो इन सबको भी प्रदूषण से बचाना चाहिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।